नहीं जी, मैनू तो सीधी सादी कुड़ी चाहिए जो जो सबका ख्याल रखे और जैसे हंसता देख मैं अपने सारे दर्द भूल जाऊं। वाह पुत्र वाह, ये तो तूने मेरी तन्नू का नक्शा खींच दिया पूरा। मेरी तन्नू बिल्कुल ऐसी है। अरे हट, तेरी तन्नू से सुंदर तो मेरी पम्मी है। इतनी सुंदर जैसे दूध में केसर घुला हुआ। मुझे वो थोड़ा सा काम है, मैं आता हूँ। ओए 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 पुत्र, बैठ ना, कितने चल रहे हैं? जा नहीं जा, मेरी तन्नू तो ऐसी है कि जिधर से गुजर जाए ना तो लड़के उसको देखते ही रह जाए। अरे दा कत्ता देखो, 6.25 फुट दा है। अरे मेरी पम्मी तो पिंड में सबसे लंबी है, तो 5.25 फुट से ज्यादा नहीं हैगी। मैं अभी आई। अरे तू जा, चल हट वे। मेरी तन्नू ना इतना बढ़िया खाना बनाती है कि उंगलियां चढ़ते रह जाओगे। वो ना मैंने कुछ सामान उठवाना था, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है ना, नहीं तो मैं खुद कर देती। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो। वैसे अगर आप बात कर रहे तो। नहीं नहीं मैं आता हूँ। कितना घबरा रहे हैं आप तो ऐसे डर रहे थे जैसे अभी आपको मंडप में बिठाकर आपकी शादी रचा देंगे। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया रिश्ते आए थे आपके वास्ते। आप कहे तो एक ना एक पक्का करवा दे। रतन जी, आपके हाथों में चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा बात मत बदलिए। निहाल सिंह जी, आप अगर चाहे तो शादी के बाद प्रीतमपुरा में रह सकते हैं। कितना मजा आएगा ना जब सरपंच जी वापस आ जाएंगे। अरे आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। वो रतन जी, मैंने आपसे कहा था ना कि शादी वादी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। निहाल सिंह जी, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप पहले से किसी को चाहते हो। अच्छा तो ये बात है, बताइए कौन है वो। अरे बताइए ना, बताइए ना। रतन परजाई जी। हाँ। कपड़े वाला है। हाँ, एक मिनट। इस बार तो आप बच गए, लेकिन एक बार ये शादी निपटा दो इस घर से, उस लड़की का नाम भी जानकर रहूंगी और आपको उससे मिलवा कर भी रहूंगी। और हाँ, आपकी शादी भी इसी घर से करवाऊंगी मैं। नहीं रतन जी, मुझे मेरे सपनों की लड़की कभी नहीं मिल सकती। गुंजन दीदी, इतना मेरे भी जिदा नाम दो, ठीक है? ठीक है ना? Thank you.
बलदेव, ये देख, मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगवाई है और इस पर मैंने अपने वीजी का नाम भी लिखवाया। बलदेव, अगर तूने ढूंढ लिया तो मैं और गुंजन दीदी दोनों बोलेंगे बलदेव की वावा, बलदेव की वावा। ठीक है, हो पाएगा तेरे से, ढूंढ लेगा तू मेरे वीर जी का नाम। बस इतना सही कहा है, ढूंढेगा वो तो मैं यू ही कर लूंगा। तो बता बता। अरे पर इसने तो नाम अपने बाएं हाथ में लिखवाया ना, तो दाया हाथ तो दिखा रही है। तीखी मिर्ची, कुछ तो गड़बड़ करेगी। नहीं मिला। क्या? जी, बेटी दे ब्याह दा ऐसा बंदोबस्त मैं कभी नहीं कर पाता। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों। अरे कैसी गल्ला कर रहे हो आप, शुक्रिया तो हमको आपका करना चाहिए कि आप राजी हो गए अपनी बच्ची की शादी हमारे घर में करवाने के वास्ते। इस शादी की वजह से बरसों के बाद मेरी रतन उसके चेहरे पे खुशी दिखाई दी। इतने बरसों के बाद मेरी रतन मेरे को वापस मिली है। निहासी जी, आप इससे खड़े क्यों हैं? शादी का माहौल है, सब लोग नाच रहे हैं, आप भी नाचिए ना। अब नहीं जी, वो एक बहुत जरूरी काम आ गया, मैं अभी अभी आता। अरे
रतन परजाई जी जो पढ़ने जा रही हैं आप, शायद उसे पढ़कर बहुत धक्का लगे आपको, पर इसमें लिखी एक एक बात सच है। सारा पिंड उस आदमी को ढूंढ रहा है जिसने गगन प्राजी के अस्तबल में आग लगाई थी। वो और कोई नहीं, करतार सिंह जी थे। उन्होंने ये आग इसलिए लगाई ताकि निहाल सिंह जी घुड़दौड़ प्रतियोगिता में भाग ना ले सकें, क्योंकि करतार सिंह जी मन ही मन आपसे प्यार करते हैं। रतन परजाई जी, ये सब मैंने आपका दिल दुखाने के वास्ते नहीं किया है, पर अपना घर बचाने के वास्ते ये सब मुझे करना पड़ रहा है। मेरे को ना वो नहीं, इस समय कुछ भी कहना गुरप्रीत नु दिया वचन तोड़ने के साथ साथ पूरे ब्याह नु बिगाड़ देना होगा। भूली ना चाहिए जी, हुन की दसा पुत्र, बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे को। देखना जितने भी आने जाने वाले हैं, घर वाले हैं, सबको कह रही हूँ कि सारे जल्दी जल्दी काम कर लो, पर मेरी गल सुनता ही नहीं कोई। सब नाचने गाने में लगे हुए हैं। काम कौन करेगा पुत्र, कितना काम पड़ा है, तुझे पता है? मोटी चाय जी, शांत हो जाइए। इतने सारे लोग हैं ना, मिल बांटकर सारे काम कर लेंगे समय पर, आप चिंता मत कीजिए। मनु लगा कोई और ही बात है, आप इतने गुस्से में थी। नहीं नहीं, और कोई गल नहीं, तू जा। ठीक है। हलवाई ले जाओ, मैं चलता हूं। निहाल सिंह जी, कहाँ चले गए थे आप? लड़कियों की माओ ने रोक लिया था क्या फिर से? ये माए भी ना, इनकी बेटियां चाहे जैसे भी हों, पर जहां आप जैसा खूबसूरत गबरू जवान देखा नहीं कि बस गले ही पड़ जाती है। वैसे कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है आपके, रंग खूब जच रहा है। वैसे आप पे ना सारे रंग बड़े जचते हैं। अब वो जी एक बहुत जरूरी काम है, मैं एक बार पूरा करके वापस आता हूँ। निहाल सिंह जी सुनिए ना, मेरा ना फोन बज रहा है, मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है ना, जरा निकाल दीजिए ना। छेती करो ना, कट जाएगा फोन। सरपंच जी का फोन है, बलवंत राजी का। इसको ना इधर को रगड़ दीजिए और मेरे कान पे लगा दीजिए। हाँ जी। अरे जल्दी कीजिए ना। हेलो। हाँ जी, मेरा यत्थे दा काम खत्म हो गया है, बस कल पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखानी है। क्या खत्म होने से पहले आ जाऊंगा मैं।
चंगा जी। अच्छा हाँ, अच्छे वो नाम प्राजी मिले थे, बता रहे थे कि भाई ब्याह रतन परजाई जी के घर से हो रहा है। हाँ जी, मैं तो रतन परजाई ने बहुत ही चंगा काम किया है। चलो जी चंगा, कल मिलता हूँ। चंगा जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, ऐसी चिंता ना करो जी, आराम से आओ, मुझे यहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। हाँ जी हाँ जी जी, हाँ जी, फोन कट गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला जी। देखो जी बहुत जरूरी काम है, संभालो अपने फोन को, मैं आता हूँ। चिट्ठी सा कितना क्या है? छोड़ बंसुरी, वैसे भी तुझे कौन सा ऐसा प्रेम है जो मेहंदी गैरी रचेगी? वो सारी चीजें चाची जी से पूछ लो, वो सब बता देंगे। ठीक है, जाओ जाओ अभी जाओ, और तू जाके देख ले कि रसम का सारा सामान आया है कि नहीं आया। और सुन, वो जो रुको मैं ही आती। सच्चाई जानने के बाद भी रतन पर चाची जी भी कोई असर नहीं? तो बहुत पुराना सा लग रहा है। कपड़े पहनो, बड़ा चमकीला है ये, आप इसको पहन के वड्डी 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 संगी लगोगे। आप लोग क्यों खड़े हो, चलो ना अंदर। चाचू चाचू चाचू, आपने मेरी वीडियो को देखा? नहीं पुत्र, मुझे एक फोटो खिंचवाना। तो एक काम करो, ये हस हस हस, ये जा अंदर जा अंदर जा। लोगों का चंद तो रोज निकलता है, मेरा चंद तो बरसों बाद निकला है। बीजी नीचे देखो, ये
ये काला टिक्का लगा दिया है, अब आप लोग बिल्कुल भी नजर नहीं लगेगी, कभी नहीं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।